भाई सैमसंग की तरफ से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में सैमसंग गैलेक्सी M54 5G लॉन्च कर दिया गया है। जल्दी आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी स्पेसिफिकेशंस, प्राइस पॉइंट, इंडिया में कब लॉन्च होगा, सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। हालांकि बात कीजिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज मतलब इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदीया, ये सबको इस्लामिक कंट्री यानी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कहा जाता है। बात कीजिए ये फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट में एक AMOLED पैनल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे हमें HDR10 का सपोर्ट, वाइडमैन L1 सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो सैमसंग के डिस्प्ले तो एकदम शानदार और कमाल होने वाली है। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक्जोनोस यानी घर की खेती एक्जोनोस 1380 वाला प्रोसेसर, योर फर्स्ट 2.2 स्टोरेज टाइप, LPDDR4 इसके रैम टाइप देखने को मिलेगा। और भाई सैमसंग का फोन, तो यहाँ पे हमें अच्छे खासे 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे हमें 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 108MP का मेन कैमरा, मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मेन कैमरे में OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमें 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए बैटरी और चार्जर के बारे में, तो यहाँ पे हमें 6000mAh की बैटरी और जो फोन ये 25W के सुपर फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। भाई बैटरी 6000mAh की और चार्जर का 25W, हालांकि भाई बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ भाई, अब सैमसंग अगर जितना भी फोन खरीदने की सोच रहे हो तो वहाँ पे आप 2000 प्लस करके ही सोचिएगा, कि उसकी प्राइस जितनी भी रखी थी जैसे 25000 का इसकी प्राइस रखी जाएगी तो 2000 इसमें प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि भाई अब ज्यादातर करके सैमसंग के फोन हमें चार्जर देखने को नहीं मिलने। बात कीजिए UI के बारे में, तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और वन UI 5.0 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और भाई लिटरली इन्होंने अपडेट के मामले में क्लिक कर दिया, यहाँ पे पूरे 4 साल का मेजर OS का अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो भाई, बहुत ही शानदार काम कर रही है सैमसंग अपडेट के मुकाबले में। मतलब देखिए 13 पे आया हुआ तो 14, 15, 16, 17 तक का आपको इसमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। ये सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें स्मार्ट माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे हमें कोई भी 3.5 जैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें सिंगल मोनो फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे हमें ग्लास बैग देखने को नहीं मिलेगा बल्कि पॉली कार्बोनेट यानी प्लास्टिक का बैग देखने को मिलेगा, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। और देखिए अगर सैमसंग का कोई भी अगर आप बजट के डिग्री का स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो अंडर 30,000 तक का, मैं आपको जरूर रिकमेंडेड करूंगा कि आपको जरूर ही केस का यूज करना है, यानी कवर का यूज करना है। डब्बे में वो भी नहीं आएगा, आपको अलग से 200-300 रुपए खर्चा करके जरूर कवर परचेस कर लेना है। बात कीजिए इंडिया में कब लॉन्च होगा और कौन सी प्राइसिंग के साथ में होगा, तो देखिए अभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में गया हुआ है तो यहाँ पे आराम से हमें 1 से 2 मंथ, मिनिमम 2 मंथ तो लग ही सकते हैं, 2 मंथ के अंदर अंदर में हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो जहां तक चांसेस इसकी प्राइसिंग हमें 24 से 25 हज़ार देखने को मिल सकती है। भाई सैमसंग वाले प्राइसिंग कुछ भी रख देते हैं लेकिन 25,000 तक प्राइस रखते हैं, सैमसंग ब्रांडिंग के साथ में आता है तो ठीक ठाक है, एक बैलेंस ऑफ फोन हमें देखने को मिल जाएगा। बट नहीं भाई, ये 30-35 हज़ार में अगर ये फोन लॉन्च कर देंगे तो उस हिसाब से भी ये लेने लायक फोन नहीं रहेगा। जैसे इन्होंने A54 A34 के साथ में जो है लिटरली भाई वो बहुत ही ज़्यादा महंगा स्मार्टफोन है। हालांकि इसके ऊपर वीडियो देखना है, आई बटन जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और ये 25,000 की प्राइस रेंज तक आता है तो ठीक है, हालांकि जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस उन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।